Hello friends, welcome to Tech Science. Today topic of discussion is bacteriophage. ये bacteriophage का 3D model है. हमने parts by parts इसकी structure को study करना है. Highlighted part हमारे पास green में capsid है. अगर मैं capsid को remove करूँ तो इसके अंदर मेरे पास एक thread-like structure है जिसको हम bacteriophage DNA कहते हैं. अगर हम अपने मॉडल का एक्सरे एनालिसिस करें तो हमें बैक्टीरियोफेज के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो दिखाई देती हैं. हमारे मॉडल में नेक्स्ट हाइलाइटेड स्ट्रक्चर हमारे पास टेल फाइबर है जो बेस प्लेट से स्टार्ट होती हैं. अगर मैं बेस प्लेट और टेल फाइबर दोनों को रिमूव कर दूं, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बाकी बचता है उसको हम शीट कहते हैं. हाइलाइटेड में ग्रीन में हमारे पास शीट है. शीट का एक्सरे एनालिसिस उसके अंदर कुछ शो करता है. हमने शीट को रिमूव किया तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हमने ग्रीन में हाईलाइट किया, ये टेल कहलाती है. अगर हम अपने मॉडल को जूम करें तो कैप्सिड के नीचे टेल के दरमियान एक हाइलाइटेड स्ट्रक्चर कॉलर है. फ्रेंड्स, अब हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को कंक्लूड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हाईलाइट में कैप्सिड है, कैप्सिड के बाद हाईलाइट में कॉलर, नेक्स्ट कॉलर के बाद शीट. शीट को रिमूव करें तो उसके अंदर हमारे पास टेल है. नेक्स्ट हमारे पास बेस प्लेट और बेस प्लेट के बाद हमारे पास और बेस प्लेट के बाद टेल फाइबर्स. ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर था. अगर मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी और यूज़फुल थी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.